बताइए। मैं राजेंद्र सिंह, मेंबर पीएचई इम्प्लाई बिना पटना जम्मू प्रोविंस। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है उसका विशेष मुद्दा यह है कि 8 तारीख मार्च को सोमवार 10 बजे हमने अपने सभी साथी जो जम्मू प्रोविंस के हैं, डिस्ट्रिक्ट वाड़ियों के, तहसील वाड़ियों के, उनको एक मीटिंग के लिए अपना पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर पार्क में 10 बजे बुलाया है और उसके बाद हम रविंदर राणा जी घर का घेराव करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि आप लोग जो हमें 20 नवंबर को हमें एलजी साहब के पास ले गए थे उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। आप मीडिया में ये वार बोलते हो कि हमने इनका बायोमेट्रिक या बाकी चीजें करवाई, तो हम आपसे ये पूछने आ रहे हैं जैसे हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह घर का घेराव किया था ऐसे आपका घर का घेराव करेंगे और आपसे ये चीज क्लियर करेंगे कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, या तो हमें अमित शाह जी के पास ले चलिए या हमें दोबारा एलजी साहब के पास ले चलिए, हमारा मसला हल करवाइए। हंस मेंबर पीएचई इम्प्लाइज यूनाइटेड फ्रंट, आने वाले सोमवार को 8 मार्च को जो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने पार्क है गांधीनगर में, वहां पे हमारे तमाम डेली वेजरों को इन्विटेशन है कि वो सभी वहां पे आए और वहां एक मीटिंग करने के बाद हम लोग रविंदर राणा जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है उनके घर का घेराव करेंगे। हर बार मीडिया में बोलते हैं कि हमने इनकी बायोमेट्रिक से करवाई है, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि बायोमेट्रिक से हमारा पेट नहीं भरता है, हमें रेगुलराइजेशन चाहिए जो हमारी जेन्युइन डिमांड है और पिछले 28 साल से हम लोग रेगुलराइजेशन मांग रहे हैं और 2 साल से मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी मांग रहे हैं। ये जो हमारी डिमांडें हैं जब तक पूरी नहीं होगी हम भारतीय जनता पार्टी का जीना हराम कर देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आने वाले इलेक्शन में उनको नुकसान ना झेलना पड़े तो सामने अपना स्टैंड क्लियर करें और डेली वेजर के मुद्दों का हल निकालें, वरना इसी तरीके से इन लोगों को परेशान करेंगे और आने वाले दिनों में जहां भी इनकी रैली होगी, जहां भी इनकी मीटिंग होगी, वहां पर डिस्टर्ब करेंगे। ये हमारा फैसला हो गया।